हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम रोहित शर्मा सीखेंगे विराट कोहली जी। तो ये रहा रेफरेंस फोटो। ये रेफरेंस फोटो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड बात कर लेते हैं, अब इसे किस तरह से बनाऊंगा। तो इसे मैं फ्रेंड्स ग्रिड मेथड का यूज करके बनाऊंगा, जो कि एक बिगनर्स के लिए काफी आसानी होता है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप सब भी ग्रिड का ही यूज करो तो बेहतर होगा। तो चलिए सबसे पहले इस रेफरेंस को ग्रिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा ग्रिड ड्राइंग, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने रेफरेंस को पहले से ग्रिड में कन्वर्ट कर लिया हूँ। तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको कितने सेंटीमीटर का बॉक्स बनाना है। एंड तो ये जो फ्रेंड्स वर्टिकल जो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये 14 बॉक्स है ऊपर से नीचे की ओर, और 2-2 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाया हूँ। एंड जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स है वो है 10 बॉक्सेस, वो भी 2 सेंटीमीटर का है। तो स्क्वायर में बॉक्स बनेगा फ्रेंड्स 2-2 सेंटीमीटर का। तो चलिए मैं अपने पेपर पे ग्रिड बनाता हूँ, और जो भी व्यूअर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करते रह लेना। तो चलिए मैं अपने पेपर पे ग्रिड बनाता हूँ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. तो भाई जैसा कि आप सब देख रहे हो, मैं अपने पेपर पे ग्रिड बना लिया हूँ। तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ किस प्रकार से आपको ये ड्राइंग को बनाना है। तो सबसे पहले तो अपने रेफरेंस फोटो को अपने अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट कर ले। एंड उसके बाद आप चाहे तो किसी भी पोर्शन से स्टार्ट कर सकते हो। चलिए मैं आई से स्टार्ट करके आप सबको बताता हूँ। तो गाइस पहले देखिए, ये आई जो है, ये मेरा आई का पोर्शन यहाँ पे है। एंड अब काउंट कर लेते हैं कि ये कौन सा डिब्बे में आता है। तो ऊपर से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ बॉक्स में है। एंड हॉरिजॉन्टल से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एंड अब पेपर पे मार्क कर लेते हैं उसी प्रकार से। तो 1 जी, मेरा ये जो आई बनेगा तो ये इस बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए मैं इस बॉक्स से स्टार्ट करता हूँ बनाना, और आप सब ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से मैं बनाता हूँ। कैमरे को और पास कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। सो गाइस, आउटलाइन बनाने के लिए यूज करूंगा मैं HB पेंसिल का, जो कि आप इजीली इसे मिटा सकते हैं अगर आपसे मिस्टेक होती है। और ये उतना ज़्यादा डार्क नहीं होता है। आप सब देखो किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। आई से स्टार्ट किया हूँ फ्रेंड्स, और इसे कम्प्लीटली ड्रॉ करूँगा, और जल्दबाजी नहीं करूँगा फ्रेंड्स। आसानी धीरे धीरे इसको बनाता जाऊँगा, और तभी जाकर ये परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो देखो मैं स्पीड बढ़ा दिया हूँ टाइम, इसलिए आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है, और मैं इसे बहुत ही स्लोली स्लोली बनाया हूँ ताकि एकदम ताकि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बना पाऊँ। और वाइज इसका सेटिंग पार्ट जो आने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनाऊँगा फ्रेंड्स। पूरा टाइम जैसे बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप सब देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। और अगर कोई भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप सीधे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो जो भी व्यूअर वाइज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं इसका सेटिंग ट्यूटोरियल में। और मैं सॉन्ग लगा देता हूँ, आप सब सॉन्ग को एंजॉय करो और वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करो। सो थैंक यू सो मच। I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.